रीवा के युवाओं ने जेईई और नीट परीक्षा में अपनी उत्कृष्टता साबित की। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 सितंबर को रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा और साहित्य में कई तरह के कोर्स पढ़ाएगा। यह रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है। रीवा पुलिस ने 26 सितंबर को जुआ खेलने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआ खेलने की एक जगह पर छापा मारा और बहुत सारा पैसा और जुआ खेलने के सामान बरामद किए। यह पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, इससे शहर में अपराध कम करने में मदद मिलेगी। रीवा नगर निगम ने शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल क्लीन रीवा ग्रीन रीवा शुरू की है। यह बहुत जरूरी पहल है, इससे रीवा को साफ और रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में मदद मिलेगी। रीवा जिला अस्पताल को नए चिकित्सा उपकरण मिले हैं। इनमें एमआरआई मशीन और सिटी स्कैनर भी शामिल हैं। इन नए उपकरणों से अस्पताल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकेगा। यह रीवा के लिए बहुत अच्छी बात है, इससे शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। सतना में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज सतना के छात्रों को बेहतर मेडिकल शिक्षा प्रदान करेगा और क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में मदद करेगा। सतना पुलिस ने एक बड़े कार चोरी गिरोह का फंडाफोड़ किया है। गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और कई चोरी की गई कारें बरामद की गई हैं। सिद्धि पुलिस ने एक नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से सिद्धि और आसपास के क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, शहडोल पुलिस ने एक बड़े जमीन घोटाले का भंडाफोड़ किया है। घोटाले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी से शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में जमीन घोटालों में कम करने में मदद मिलेगी। शहडोल में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यह रेलवे स्टेशन शहडोल की परिवहन सुविधाओं को बेहतर करेगा और क्षेत्र में विकास में मदद करेगा। सिंगरौली में एक नया कोयला खदान विकसित किया जाएगा। यह कोयला खदान सिंगरौली के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।